हेलो फ्रेंड्स, मेरी किचन में आपका स्वागत है। मैं सोफिया। आज हम बनाएंगे मैगी मसाला, जो कि बाज़ार में आप मैगी नूडल्स आते हैं उसका मसाला आप घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। सारे जितने भी होममेड घर में मसाले होते हैं सब उसी से बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो जिसके लिए मैंने सामान लिया है, ये मैंने एक चम्मच नमक लिया है, बड़ा चम्मच मैंने ये वाला यूज़ किया है और छोटा चम्मच इससे थोड़ा छोटे साइज़ का इस्तेमाल किया है। इसमें एक चम्मच नमक लेंगे हम छोटा, आधा चम्मच हल्दी है, आधी चम्मच मिर्चे हैं बड़े चम्मच की, एक चम्मच बड़ा आपका ओनियन पाउडर है, गार्लिक पाउडर है एक चम्मच, सॉल्ट पाउडर है एक छोटा चम्मच है, ये चाट मसाला एक बड़ा चम्मच है, वाइट पेपर ये आपका आधा चम्मच है, कॉर्नफ्लोर ये छोटा चम्मच एक है, गरम मसाला ये हाफ चम्मच है। थोड़ा सा हम इसमें सिट्रिक एसिड का यूज़ करेंगे, इसके जो आप देखते हैं कि उसमें फ्लेवर आता है खट्टे का। अगर आपके पास टोमेटो पाउडर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। एक बड़ा चम्मच हम इसमें शुगर लेंगे और आधा छोटा चम्मच हमने इसमें ज़ीरा पाउडर लिया है। तो बहुत ही आसान है इसको बनाना। हम चार में इसको एक बाउल में इसको सारे मसाले में मिला लेते हैं, फिर इसको जार में डाल के एक बार चला लेंगे अच्छे से। तो सारे मसाले आपके घर में ही हैं, ओनियन पाउडर और आपका जिंजर गार्लिक पाउडर ये आपको बाज़ार में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। ये आपकी पांच मैगी जो पैकेट आते हैं ये आपका उसके लिए है, जैसे आप घर में नूडल्स बना लेते हैं, सिवई हम बना लेते हैं तो उसमें भी हम इसे डाल के बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। इसे मिक्स करने के बाद हम इसको जो है एक बार ग्राइंडर में डाल के इसको चला देंगे। ये मैगी मसाला बनकर एकदम रेडी है। बाज़ार में वो लोग थोड़ा सा कलर फूड भी डालते हैं थोड़ा सा इसको येलो करने के लिए, लेकिन मैंने इसमें वो यूज़ नहीं करा है। आप इसमें पांच पैकेट मैगी के बहुत ही आराम से बना सकते हैं। तो आप इसको अपने अच्छे तरीके से घर में आप बनाइए और मैगी को इंजॉय करिए। मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं जिससे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, गुड बाय, हैव अ गुड डे।